السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning students. My dear students, today in our VED class there are two topics. First topic is Aqaid. Second topic is Islamic knowledge. First topic is Aqaid. Lesson number 3. الكلمات التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Translation: There is none worthy of worship but Allah, who is alone and has no partner. For him is the kingdom and for him is all praise. He gives life and death. All good is in his hand and he has control over everything. प्यारे बच्चों, ये कलिमा तौहीद है. उसके अंदर अल्लाह की वहदानियत बताई गई है. अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है. वो अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई पेरेंट्स नहीं है. उसी के लिए बादशाहत है, वही पूरी दुनिया का मालिक है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं. वही ज़िंदा करता है और वही मौत देता है, यानी अल्लाह तबारक व ताला ही ज़िंदगी देता है और मौत देता है. किसी के हाथ में कुछ नहीं है. मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है. यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक्य से हमें पता चल जाता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मनों ने मार डालने का प्लान बनाया तो उन्होंने बहुत बड़ी आग जलाई थी. आग जलाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुश्मनों ने आग के अंदर डाल दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाना था, ज़िंदा रखना था. इसलिए हज़रत अल्लाह तबारक व ताला ने आग को हुक्म फरमाया कि आग को सलामती और ठंडी हो जा, और उस जगह को अल्लाह तबारक व ताला ने बाग बना दिया. तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है. उसी के कब्ज़े में तमाम भलाइयां हैं. जो कुछ अच्छा और बुरा होता है वो अल्लाह ही की तरफ से होता है, और वो हर चीज़ पर कादिर है, यानी पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल अल्लाह का ही है, किसी और का नहीं है. टॉपिक नंबर 2, इस्लामिक नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 1, टू हुम डिड अल्लाह सेंड मूसा अलैहिस्सलाम एज अ नबी? आंसर: Allah sent Musa alayhis salam as a Nabi to the Bani Israel and the people of Firaun. प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस सलाम को किस कौम की तरफ नबी बना कर भेजा. जवाब: अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस सलाम को बनी इसराइल, फिरौन और उसकी कौम की तरफ नबी बना कर भेजा. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम ब्रदर? आंसर: मूसा अलैहिस्सलाम ब्रदर नेम वाज हारून अलैहिस्सलाम. मूसा अलैहिस्सलाम का भाई का नाम क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द इस्लामिक कैलेंडर बिगिन? आंसर: द इस्लामिक कैलेंडर बिगेन
from the year in which Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam made hijra. यहाँ पर सवाल है कि हिजरी साल कब शुरू हुआ, यानी इस्लामिक कैलेंडर कब से शुरू हुआ. जवाब, हिजरी साल इस्लामिक कैलेंडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत की उस वक्त से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज मक्का कन्क्वर्ड. आंसर, मक्का वाज कन्क्वर्ड इन द 8 years आफ्टर हिजरा. यहाँ पर क्वेश्चन है, मक्का कब फतह हुआ. जवाब, मक्का मुकर्रमा 8 हिजरी में फतह हुआ, यानी हिजरी सन 8 के अंदर फतह हुआ. क्वेश्चन, इन हुज हाउस डिड नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास अवे. आंसर, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास अवे इन द हाउस ऑफ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किन के मकान पर हुई. जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेड हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में हुई. प्यारे बच्चों, हमने आपको आज कलिमे तौहीद और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए हैं. आपको उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है. और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर राइट कर सकते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.